नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविकांत है। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। अभी बीच में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे पढ़नी चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, सिलेबस भेज दीजिए, या मेंस का सिलेबस क्या है। तो देखिए, आप इसका सिलेबस जो है साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाके सर्च करिए कि समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स का सिलेबस, वहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। इतना तो आपको करना ही चाहिए कम से कम, आज का डिजिटल ज़माना है, सारी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो आप इजीली वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस इसका कैसा होता है। देखिए, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, दो पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, दूसरा पेपर हिंदी का होता है। जीएस का पेपर जो कि 140 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जीएस के, और हिंदी का पेपर होता है जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं हिंदी के, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। सिलेबस की बात करें तो वही सिलेबस है, लगभग इसका सिलेबस सेम ही है, जीएस वाला, पीसीएस का और समीक्षा अधिकारी का। लेकिन हम जो है आज स्पेशली समीक्षा अधिकारी की ही बात करेंगे, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का जो नेचर है एग्ज़ाम का वो थोड़ा अलग है, पीसीएस का थोड़ा सा अलग है। समीक्षा अधिकारी में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके कंपैरिजन में पीसीएस में ऐसा नहीं है। पीसीएस में कम रहते हैं, वो रहते हैं उसमें भी, लेकिन इसमें कम रहते हैं। तो इसी पर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो देख लेंगे हम कि इतिहास के लिए, भूगोल के लिए, या अर्थव्यवस्था के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, या विज्ञान के लिए कैसे हमें किन किन किताबों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, राज्य व्यवस्था हो, विज्ञान हो, पर्यावरण हो, इनके लिए आपको घटना चक्र पूर्व अवलोकन की किताबें आती हैं मार्केट में, वो तो आपको पढ़नी ही है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है घटना चक्र पूर्व अवलोकन के बारे में ना पता हो क्या है, तो घटना चक्र पूर्व अवलोकन ऐसी किताबें हैं जिनमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, चाहे वो इतिहास के हों, भूगोल के हों, राज्य व्यवस्था के हों, या अन्य विषयों के हों, सबके लिए अलग अलग आती है। उन सारे क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज संकलन होता है उनमें, और उनका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। केवल यूपी के ही नहीं होते हैं, और भी जितने अदर स्टेट हैं जहाँ पर पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस आए होते हैं उन सबका एक जगह संकलन करके दिया होता है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आयोग के बहुत सारे पेपर्स में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होंगे तो उन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती रहती हैं। अगर आपने उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे से पढ़ा है तो आपका प्रीलिम्स, चाहे पीसीएस का हो या फिर समीक्षा अधिकारी का हो, वो नहीं रुकेगा। अब घटना चक्र के अलावा आपको और क्या करना है, पहले तो हम बात करते हैं इतिहास को लेकर। हम सारे सब्जेक्ट में अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में आपको पहले तो पढ़ना है घटना चक्र पूर्व अवलोकन। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी केवल समीक्षा अधिकारी के लिए। अगर हम पीसीएस के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ और अन्य किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए, जैसे कि इतिहास की बात करें तो इतिहास को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत। तो आधुनिक भारत के लिए आपको घटना चक्र पूर्व अवलोकन के अलावा पढ़नी चाहिए परीक्षा दृष्टि की एक बुक आती है, पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, आधुनिक भारत के नाम से ये बुक है, इस तरह से आधुनिक भारत के नाम से आती है परीक्षा दृष्टि आधुनिक भारत। दूसरी इसी पब्लिकेशन की बुक आती है परीक्षा दृष्टि की, प्राचीन भारत के नाम से, आप ये पढ़ सकते हैं। फिर है मध्यकालीन भारत की, वो भी परीक्षा दृष्टि के लिए आती है, परीक्षा दृष्टि पब्लिकेशन की, आप इसको ये पढ़नी चाहिए। ये है समीक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पीसीएस के लिए आपको इनके अलावा दूसरी किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे कि मध्यकालीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए,
और वो क्या कहते हैं, एस के पांडे पढ़नी चाहिए आपको प्राचीन भारत के लिए, पीसीएस की अगर बात कर रहे हैं हम। और एक सौरभ चौबे सर हैं, उनकी मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक आती है, वो आपको पढ़नी चाहिए अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो। लेकिन आप समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको परीक्षा दृष्टि से ही आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं भूगोल की। तो भूगोल में एक तो आपको पढ़नी है घटनाचक्र पूर्वावलोकन, वो तो लेनी ही है, सबकी लेनी है, बता दिया है पहले ही। उसके अलावा आपको पढ़नी चाहिए महेश वर्णवाल। महेश वर्णवाल में बहुत ही आसान शब्दों में भूगोल को समझाया गया है। इसके अलावा आपको मैपिंग पर विशेष ध्यान देना है, और मैपिंग के लिए आपको लेना है एटलस, स्टूडेंट पब्लिकेशन का एटलस आप ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का भी आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। तो भूगोल को आपको वहाँ से तैयार करना है। तीसरी चीज़ है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन तो है ही, साथ में प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, जो कि जिसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चंस भी होते हैं और करंट से अपडेट किया हुआ वो रहता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था के लिए आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन प्लस परीक्षावाणी, परीक्षावाणी को अच्छे से पढ़ें। उसमें आपने देखा होगा अगर परीक्षावाणी आपके पास में होगी तो ब्रैकेट में जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक जगह पर दिए होते हैं, जो लास्ट ईयर में भी आए होते हैं और या आने वाले एग्जाम्स में संभावना उनकी रहती है, उनको आप ठीक से पढ़ें। विज्ञान के लिए आप घटनाचक्र पूर्वावलोकन प्लस ल्यूसेंट, साइंस वाली ल्यूसेंट आती है उसको पढ़ें। पर्यावरण के लिए भी घटनाचक्र पूर्वावलोकन प्लस परीक्षावाणी पढ़ें। यूपी स्पेशल के लिए आप घटनाचक्र तथ्य सार के नाम से एक पुस्तक आती है, घटनाचक्र तथ्य सार, वो आपको पढ़नी है। फिर इसमें एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको एक दो क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो कृषि के लिए परीक्षा माड़ी भी आती है पतली सी, या फिर आप उसको जो है प्रीवियस ईयर से तैयार कर लें, या फिर कोई और पुस्तक ऐसी जो पतली सी हो एग्रीकल्चर से संबंधित, वो कोई भी पढ़ सकते हैं। फिर आती है जनसंख्या या जनगणना, सॉरी, जनगणना के लिए आपको परीक्षा माड़ी पढ़नी चाहिए। अभी कल किसी ने कमेंट किया था कि ये पुस्तक पूरी पढ़नी है कि केवल यूपी स्पेशल पढ़ना है, तो परीक्षा माड़ी से आपको इंडिया की जनगणना प्लस यूपी की केवल यही पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि परीक्षा वाणी में सारे और अदर स्टेट जो हैं उनसे संबंधित, जनगणना से संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी दिए गए हैं, वो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, यूपी का पढ़ना है और इंडिया का पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें रहीं पुस्तक के बारे में। अब आपको करना क्या है, पढ़नी कैसे है। घटनाचक्र पूर्व अवलोकन जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि ये बहुत हार्ड है, ये याद कैसे रहेंगे। तो आपको साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है उनके, ताकि परीक्षा जब जैसे ही नज़दीक आए तो आप उनको इजीली रिवाइज कर सकें। शॉर्ट नोट्स आपको बहुत ज़रूरी हैं, बनाने ही हैं, इसको आप स्किप बिल्कुल भी ना करें, चीज़ों को लिख लिख कर याद करें, ठीक है। ये तो रही पुस्तकों की बात, इसके अलावा आपको और क्या करना है, और कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है। आपको ल्यूसेंट जो सामान्य ज्ञान वाली आती है उस पुस्तक को जरूर अपने पास रखें। यह है ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान वाली, इसको आप 3-4 बार बहुत अच्छे से पढ़ें। इसमें जो है सारी चीज़ें, आप इसको जब पढ़ लोगे ना तो एक तरह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने सारी चीज़ें, मतलब मेरे सामने से निकल गई। आप ल्यूसेंट ज़रूर पढ़ें। आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें टेबल वगैरह दी हुई हैं कि कौन सा युद्ध कब कहाँ हुआ था, किस वायसराय के समय में हुआ था, है ना। अर्थव्यवस्था में बात करें तो कौन सी समिति किससे संबंधित है, और राज्य व्यवस्था में बात करें तो कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, किस भाग में क्या दिया हुआ है, इन सारी चीज़ों का संकलन एक जगह पर ही दिया हुआ है। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी किताब है ये, बहुत अच्छी बुक है ये ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, इसको आप ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आयोग के द्वारा, जो यूपीपीएससी आयोग है, इसके द्वारा पिछले 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीईओ का एग्ज़ाम हो, एसीएफ का एग्ज़ाम हो, या और भी जो दूसरे एग्ज़ाम कराए गए हैं जहाँ पे जीएस वगैरह पूछी जाती है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, उन सारे पेपर्स को आप इकट्ठा करें,
कुछ मेरे पास हैं वो मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, उनमें जो नहीं होंगे वो आप इकट्ठे करें। घटनाचक्र से आपको खैर PCS का मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, और बाकी भी कुछ पेपर हैं जैसे कि ACF का है, BEO का है या और अदर एग्जाम है, वो हो सकता है आपको ना मिले, तो कुछ मेरे पास है मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। उन सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, उनमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको एक जगह पर लिख लेना है। नोट्स ऐसे बनाने हैं कि बहुत ही कंसाइज वे में नोट्स हों, ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बना लेने हैं। पता लगा बुक से नोट्स बना रहे हैं और नोट्स बनाते बनाते एक दूसरी बुक तैयार कर ली, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। वो नोट्स इसलिए नहीं है कि आपको उनसे पढ़ना है, क्योंकि नोट्स किसी दूसरे नोट से नहीं पढ़ना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति के नोट्स से, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स बनाता है। मैंने भी बनाए हैं, हो सकता है आपकी समझ में आए या ना आए, लेकिन आप एक उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये तो रही GS की बात, और सॉरी एक चीज़ और रह गई है अभी, करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन रह गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आपको पर मंथ एक मैगजीन आती है क्रॉनिकल, पतली सी मैगजीन आती है 30 रुपये की, दो आती हैं क्रॉनिकल, एक आती है 130 रुपये की, एक आती है 30 रुपये वाली। तो आपको 30 रुपये वाली समसामयिक की क्रॉनिकल हर महीने पढ़नी है, एक तो ये पढ़नी है। एग्जाम के समय में आती है घटना सार, जिसमें पिछले 6, 7 या 8 महीने का संकलन रहता है, आपको वो पढ़नी है, वो एग्ज़ाम के टाइम आएगी। ये दो मैगजीन आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स के लिए पर्याप्त है। ज़्यादा आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र आती है एक आँख वाली दृष्टि के नाम से, वो एग्ज़ाम के समय ही आती है, उसमें बहुत ज़्यादा दिया होता है, मैं उसे पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। आप घटना सार और समसामयिक की क्रॉनिकल इनको अच्छे से पढ़ें, आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन हो जाएगा। ये तो रही GS वाली बात, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी वाली। वैसे मैं हिंदी के लिए बात कर चुका हूँ पहले, हिंदी के लिए आपको हरदेव बाहरी, वासुदेव नंदन और घटना चक्र पूर्व अवलोकन जो समीक्षा अधिकारी के लिए आती है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लिख लिख कर पढ़ना है, वर्तनी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी हमने आज बात की है बुक लिस्ट के बारे में। हो सकता है एक दो क्वेश्चन या कुछ डाउट मेरे से छूट गए हों, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जो है कोशिश करूँगा उनका आंसर देने की। ठीक है, मैंने हिंदी के नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप जो है उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर लिखिए @VRavikant, चैनल को सर्च करिए, वहाँ पर जो है फिर चैनल जो है उस लिस्ट में आ जाएगा, फिर वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैक एग्जाम विद रविकांत के नाम से आएगा, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम सेशन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम लोग बात करेंगे कि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और उसके लिए कुछ अलग से जो बुक्स पढ़नी है वो कैसे पढ़ें, और बात करेंगे हम लेटर राइटिंग के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।